हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, अपने इस विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चैनल पर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर हूँ गोविंद वाटिका, JDA अप्रूव्ड कॉलोनी है और ये है पृथ्वी राजनगर में। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं कॉर्नर मकान जो कि 85 वर्ग गज का है और 23x33 साइज है, ये मकान का विजिट कराने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरी कॉलोनी, और अगर डिस्टेंस वाइज बात करें रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से, अगर डिस्टेंस वाइज बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। वहीं पे अगर 200 फीट बाईपास अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर है। वहीं पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इधर कनकपुरा रेलवे स्टेशन है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस, और मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पर गोविंदम टावर जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ से पड़ेगा 1 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं अपने इस मकान की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं अभी मकान की तरफ। आप देख सकते हैं ये कॉर्नर मकान है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है रैंप। रैंप से ये आप देख सकते हैं ये है पार्किंग, और अगर बात करूं मैं कुर्सी की तो आपने देख सकते हैं कि रोड से काफ़ी हाइट दिख करके ये मकान बनाया हुआ है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये है गेट है, और वहीं से पार्किंग की अगर बात करें तो 10x12 साइज की पार्किंग है, और यहाँ पर पानी का टैंक है, यहीं पे मोटर, पानी की मोटर लग जाएगी। और जीना अगर बात करें, जीना बाहर से जीना है इसका, और इसी के साथ में हमने जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये है डाइनिंग हॉल। अभी काम चल रहा है फर्नीचर वगैरह का, फिनिशिंग का काम चल रहा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं हॉल काफ़ी आयताकार साइज के अंदर हॉल है, बहुत ही बड़ा स्पेसियस हॉल है। और हॉल के साथ में आप देख सकते हैं ये है कॉमन टॉयलेट जो कि इंडियन टॉयलेट है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट जो कि इंडियन टॉयलेट है, और यहीं पे आप सब देख सकते हैं ये सामने की तरफ यहाँ पर फ्रंट बेडरूम है। जब फ्रंट बेडरूम अगर मेजरमेंट की बात करें तो 10x12 साइज का है, और सामने की तरफ फ्रंट साइड में ये कूलर के लिए विंडो दी हुई है, प्रीमियम कलर है, और आप देख सकते हैं वुडन की एक ये अलमीरा है, और एसी फिटिंग है, अटैच टू बाथरूम है। आप देख सकते हैं वेस्टर्न टॉयलेट, सैनिटरी फिटिंग वगैरह का काम आपको करके दिया जाएगा, और इसी के साथ आप देख सकते हो ओपन किचन, ये मॉड्यूलर किचन है ओपन, पूरे स्लैब वगैरह सब लगे हुए हैं और पूरा फर्नीचर का काम किया हुआ है इसमें। वहीं पे वेंटिलेशन के लिए पीछे की तरफ एक गैलरी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अगर बात करें वेंटिलेशन की तो पूरे मकान के अंदर पूरी रोशनी है। वहीं पे आप देख सकते हो ये है एक बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम, और साइज की अगर बात करें तो 10x12 साइज है, और वेंटिलेशन के लिए ये साइड में विंडो दी हुई है जो कि यहाँ पर ये कॉर्नर है, कॉर्नर की वजह से इसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। और वहीं पे आप देख सकते हैं ये कूलर पॉइंट के लिए यहाँ पर एक विंडो दी हुई है, एसी फिटिंग है, प्रीमियम कलर है, और ऊपर POP में डिजाइन दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर, और अगर साइज की बात करें तो 23x33 साइज का 85 वर्ग गज का JDA अप्रूव्ड कॉर्नर मकान है ये, 90% लोनेबल है, सेमी फर्निश्ड है, और नीचे 2 बेडरूम सेट है और ऊपर 2 बेडरूम सेट है, दोनों के अंदर अलग अलग किचन है, दो इस तरह से बनाए हुए हैं कि या तो दो भाई रह सकते हैं या फिर आप इसको नीचे रहते हुए ऊपर का रेंट पे दे सकते हो, रेंटल इनकम है यहाँ की, और JDA अप्रूव्ड है। अगर कीमत की बात करें तो मात्र 47 लाख रुपीज़ के अंदर ये मकान है जो कि 85 वर्ग गज का JDA अप्रूव्ड मकान है। अगर आप
ये मकान विजिट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और विजिट के लिए आ सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और ये एंटर है। एंटर करते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले डाइनिंग हॉल, ये आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन बहुत देख सकते हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ये है हॉल, ए बिग वेरी बिग स्पेसियस हॉल। अगर आप देख रहे हैं कोई एक ऐसा मकान जिसके अंदर बेहतरीन बहुत ही स्पेसियस हॉल हो, आप देख सकते हैं ये 10x20 साइज का हॉल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप एल शेप में सोफ़ा लगाते हैं वहीं पे आप सामने की तरफ डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ये मकान बेहतरीन सेटिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है। और वहीं पे आप देख सकते हैं ये है कॉमन टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट है ये। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये किचन, अगर किचन की साइज़ की बात करें तो 6x8 साइज़ का किचन है और ये पूरा फर्नीचर वगैरह लगाया हुआ है, साथ ही पीछे वेंटिलेशन के लिए डक छोड़ा हुआ है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये एक बेडरूम है जो कि रियर साइड बेडरूम है और इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर साइज़ की बात करें तो 10x12 साइज है ये और वेंटिलेशन के लिए कोई कमी नहीं है, रोशनी फुल है। वहीं पे आप देख सकते हैं कूलर के लिए एक विंडो दी हुई है यहाँ पर और ऐसी फिटिंग है, प्रीमियम कलर है, ऊपर POP में डिज़ाइन है। वहीं पे फ्रंट साइड की तरफ देखते हैं ये आप बेडरूम है और इसके अंदर 10x12 साइज का ये रूम है, इसी के साथ अटैच बाथरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न टॉयलेट। सैनिटरी वगैरह फिनिशिंग का भी वर्क चल रहा है, सैनिटरी फिटिंग करके आपको दी जाएगी। वहीं पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में बैल्कनी, आप देख सकते हैं अटैच्ड ये बैल्कनी है और JDA अप्रूव्ड ये मकान है। आसपास का लोकेशन देख सकते हैं आप, ये फ्रंट साइड की बेल्कनी है। तो ये मकान था अपना जो कि लोनेबल है और सीवरेज वगैरह सब कनेक्ट है और पृथ्वीराज नगर के अंदर आता है ये। ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अभी मैं आपको छत पर लेके चलता हूँ और वहाँ से इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। अभी हम चल रहे हैं छत के ऊपर, आप देख सकते हैं देखो बेईमानी के ये आप देख सकते हैं। अभी हम छत पे आ चुके हैं और छत पे आप देख सकते हैं दो टंकियां हैं पानी की, एक ये टंकी है और एक सामने आपको देख सकते हैं ये दोनों टंकी है। और आसपास की लोकेशन अगर आप देख सकते हैं पूरे मकान वगैरह सब बने हुए हैं, रिहायशी कॉलोनी है ये और रहने के हिसाब से बनाया हुआ है, बेहतरीन मकान है। ऐसे और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैनल पर कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए, मैं उसे पूरा करूँगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर और आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी हम आपकी परचेज करने में हेल्प करें और सेल करने के लिए भी हेल्प करें। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।